सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना स्पीड न्यूज़ विच आप सब दा स्वागत करदी हां। बागा पुराना विच होण वाला किसान महासम्मेलन मौजूदा समय विच चल रहे किसान संघर्ष नूं होर मजबूत करन वल वधाया गया है, एक कदम साबित होवेगा। यह दावा करदे आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने लोगों नूं अपील की कि वह 21 मार्च नूं होण वाले इस सम्मेलन विच पहुंचण। विरोधी धिर दे आगू हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 21 मार्च नूं सवेरे 11 बजे अरविंद केजरीवाल बागा पुराना पहुंचणगे अते महासम्मेलन राही किसान अंदोलन मजबूत करनगे अते किसानां दी आवाज पूरे देश भर विच बुलंद करनगे। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 25,833 कोरोना के नवे केस सामने आ चुके हैं। उत्थे 58 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल तो नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। अहमदाबाद में शनिवार और एतवार को मॉल सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपनी कोरोना रिपोर्ट नैगेटिव आने तो बाद दिल्ली चले गए हैं। जानकारी मुताबिक वो दिल्ली में कुछ दिनों लिए एक निजी होटल में क्वारंटाइन हो गए हैं। होला मोहला मनाने लिए श्री आनंदपुर साहिब के कीरतपुर साहिब में आने वाली संगतों लिए कोरोना टेस्ट की नैगेटिव रिपोर्ट लियाना प्रशासन को लाजमी कर दिया गया। प्रशासन ने यह कदम कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए उठाया है। कोरोना के बढ़ रहे प्रभाव को रोकने के लिए भावें सरकार लोगों को जागरूक करने के समय समय यत्न कर रही है, जिस तो बाद हुण पुलिस ने भी अपना सख्त रुख अपना शुरू कर दिया है। इस दौरान फगवाड़ा शहर में पुलिस के ASI भारत भूषण की अगुवाई में शुगर मिल चौंक में की गई नाकेबंदी दौरान मशहूर पंजाबी गायक मास्टर सलीम का मास्क न पाने चलान कट दिया गया। भूषण ने कहा कि पुलिस वालों 1,000 रुपये का नकद चलान कटे गया। पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां विच लगातार 20वें दिन विच कोई वाधा नहीं किया गया, जिस नाल आम आदमी नूं कुछ राहत मिली है। चर्चा है कि 5 सूबे विच होण वालियां विधानसभा चोणां करके लोकां नूं इह राहत मिली है। केंद्र सरकार ने कहा है कि विजय माल्या, नीरव मोदी अते मेहुल चौकसी छेती भारत विच कानून दे कैटेगरे विच खड़े होणगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद विच कहा है कि इह सारे भगोड़े कारोबारी कानून दा सामना करन लई जल्द भारत विच आ रहे ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में वड्डा ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार अगले साल तक देश के सारे टोल प्लाजे बंद करने की योजना बना रही है। टेक्नोलॉजी की मदद नाल आने वाले समय में उन्हां ही टोल प्लाजे का भुगतान करना पवेगा जिन्ना तुसीं सड़क उपर चलोगे। कांग्रेस के साबका संसद मैंबर अन्नू टंडन नूं 2 साल की सजा सुनाई गई है। अन्नू टंडन नूं यह सजा धरना प्रदर्शन दौरान ट्रेन रोकने की वजह नाल सुनाई गई है। उनाव के उस समय के कांग्रेस जिला मैजिस्ट्रेट सूर्या नारायण यादव, शहर प्रधान अमित शुक्ला, युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रधान अंकित त्यागना भी दोषी करार देते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इन्होंने सारे दोषियों से 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। तृणमूल कांग्रेस की प्रधान ममता बनर्जी ने कहा है कि वह पश्चिम बंगाल दी विधानसभा चोणां जीतने तो बाद दिल्ली में परिवर्तन लियावेगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा अपनी पूरी ताकत नाल पश्चिम बंगाल नूं निशाना बना रही है, क्योंकि उसनों पता है कि सूबे में चोणां जीतने तो बाद तुरंत बाद वह केंद्र में जाएंगे। बिहार के हाजीपुर में बीते कल एक 70 साल बुजुर्ग व्यक्ति वालों एक 5 साल मासूम नाल कथित तौर पर जबर जना किया गया। बच्चे की जांच लिए स्थानक हस्पताल विखे भर्ती करवाया गया। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज 3 दिना भारत दौरे पर आ रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। अहुदा संभालने मगरों यह उन्होंने पहला वड्डा दौरा है। पाकिस्तान फौज के मुखी जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि यह भारत के पाकिस्तान लिए अतीत को भुलन और आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने कहा है कि दोवां गुआंढ़ी मुल्कों के शांति नाल दक्षण ते मध्य एशिया में विकास की संभावनाओं को खोलने में मदद मिलेगी। इस जानकारी से आ गया, धन्यवाद।